अगली खबर आ रही यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत, जहां आज बेरोजगारी के मार झेल रहे युवाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर युवा मंच के अभ्यर्थी पत्थर गिरजा घर के पास मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान जनपद के तमाम थाने की फोर्स पहुंची और अभ्यर्थियों को प्रदर्शन खत्म करने की बात कही, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने जबरन उन्हें धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को उठाया और लाठीचार्ज करते हुए गिरफ्तार किया। उस दौरान अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी विभागों में रिक्त पद हैं, लेकिन सरकार के द्वारा रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। जब बेरोजगारी की मार झेल रहे अभ्यर्थी आवाज उठाए तो उसे आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह। किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था और किस तरीके ये अनिल सिंह के नेतृत्व में एक युवा मंच बना करके कुछ लड़कों को ये इकट्ठा किए थे। इनके कुछ मांगे थी कई वैकेंसीज को लेकर के, कि उसे शीघ्र विज्ञापन किया जाए। इसका इनको इन्होंने कार्यक्रम को पहले बालसेन चौराहे पे किया गया था, जो कि धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है और बिल्कुल रोड है वहाँ पे, इसलिए उनको मना भी किया गया कि रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, आप धरना प्रदर्शन स्थल पर जाइए। उन्होंने कहा हमें ज्ञापन देना है और हम हार्डली 2-2.5 बजे तक ज्ञापन दे के चले जाएँगे। 2 बजे के आसपास इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जब यहाँ पे थोड़ी लड़कों की संख्या बढ़ी है, कि हम लोग अनंत काल तक इसको चलाएंगे जब तक वैकेंसी सारी नहीं निकलती हैं। तो इस तरह से ये रोड पे साइड बिल्कुल धरना था, जो बिल्कुल उचित नहीं होता यहाँ पे लगातार अनंत काल तक चलाना, इनको बताया गया था। उसमें जो तमाम लड़के जो समझदार थे, जो इनके इस कहने पर आए थे कि हम ज्ञापन देने के आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि लगभग 400-500 की संख्या में लड़के चले गए। ये कुछ ही लोग थे जो अनावश्यक जिद किए थे कि नहीं हम अनंत काल तक बैठेंगे, उनको भी जब लास्ट में समझाया गया चले गए। जो लोग थे 2-4 लोग हुई, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आवश्यक मैदानी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की कार्रवाई की जाएगी अभी मैं देख लेता हूँ।